बार बार हम सबको बताते हैं कि एफएनसी और बायोप्सी ये दोनों के दोनों टेस्ट बीमारी को बढ़ाते हैं। वैसे भी कोई भी टेस्ट होता है वो बीमारी को बता सकता है कि है या नहीं, और बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता। बीमारी को घटाने के लिए औषधियाँ लेनी पड़ेंगी, परहेज करने पड़ेंगे। मेरे साथ एक बहन है और इनकी जब एफएनसी हुई उसके बाद एक गांठ जहाँ पर थी उसके बाद तीन हो गई, तो ये जीता जागता उदाहरण। और मैंने अनेकों बार दिखाया है कि बायोप्सी और एफएनसी कितनी खतरनाक है। जिनकी बायोप्सी और एफएनसी हुई उनका गांठ का आकार तेज़ी से बढ़ा, दर्द बढ़ा, बीमारी बढ़ी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। कौन सा सेक्टर है आपका? सेक्टर 21 से। तो आपकी एफएनसी हुई उससे पहले कितनी गांठ थी? सर एक ही थी। और एफएनसी के बाद आप कितनी गांठें हैं? अब सर दो तीन फील होती है। तीन गांठें हैं। क्या समाज को संदेश देंगी, एफएनसी करवानी चाहिए, बायोप्सी करवानी चाहिए? तो ये कहती आयुर्वेदिक में आना चाहिए क्योंकि मैं 9 महीने से हूँ इस लाइन में। तो जो इन्होंने फील किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके कहीं भी शरीर के हिस्से में गांठ हो, दो प्रकार की गांठ होती है, मांस की गांठ है या कैंसर की गांठ है, और दोनों को ही घटाने के लिए आयुर्वेद में साधारण से नुस्खे हैं। कचनार की छाल उपयोग करो आप, हल्दी उपयोग करो, तुलसी करो, पुनर्नवा करो, चूने का प्रयोग करो, अलसी का प्रयोग करो, ग्वार गम का प्रयोग करो, सुहागे का प्रयोग करो। अनेकों वीडियो मैंने डाली हुई है, उन दोनों ही प्रकार की गांठों को साधारण रूप से ठीक किया जा सकता है। नीम भी गांठ को गढ़ाता है। आप बायोप्सी और एफएनसी बिल्कुल ना करवाएं, ये सीधा सीधा आपकी बीमारी को बढ़ाएगी।